हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दिस इज जागृति। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड क्लोट के बारे में, एंड ब्लड क्लोट के फैक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और ब्लड क्लोट के फैक्टर्स को लर्न करने की हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ट्रिक भी देखी थी। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ ब्लड क्लोट, यानी कि ब्लड क्लोट जो होता है वो कैसे बनता है, उस पूरे प्रोसेस को, रक्त का थक्का कैसे बनता है, उस पूरे प्रोसेस को के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आफ्टर अ कट बुंड ब्लड सीव्स फ्रॉम द बुंड, यानी कि कट लग जाने के बाद बुंड से ब्लड निकलने लगता है। ट्राइगर एंड इमीडिएट रिपेयरिंग प्रोसेस, और जो इमीडिएट रिपेयरिंग प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। द ब्लड सेल्स टेक एक्शन इमीडिएटली, और जो ब्लड सेल्स तुरंत जो होती है वो एक्शन लेती हैं। दे स्टॉप द लीक्स फ्रॉम अ प्लग एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। और क्या होता है, वे एक प्लग से ब्लड बहने से रोकती हैं एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। एस्केप फॉर्म एंड द क्लोट डिसॉल्व व्हेन द बुंड हैज़ हील। और फिर क्या होता है, घाव बन जाता है, और घाव के ठीक होने पर थक्का जो होता है वो घुल जाता है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं ब्लड क्लोट का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि अगर हमारे जब घाव हो जाता है, जब घाव लग जाता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। स्किन डैमेज होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक प्लग बनाना स्टार्ट कर देती हैं। घाव हो जाता है और ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो प्लग बनाना स्टार्ट कर देती हैं। फर्स्ट स्टेप में अब हम थियोरेटिकल देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट इंजरी क्या होता है, आ कट इन द स्किन, मतलब कि स्किन में कट लग जाता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। आ कट इन द स्किन डैमेज ब्लड वेसल्स, स्किन में कट लग जाता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। प्लेटलेट्स स्टार्ट टू ग्रुप टुगेदर एट द साइट ऑफ द इंजरी, और फिर प्लेटलेट्स होती हैं वो एक ग्रुप में जा कर के इंजरी, जहाँ पर इंजरी लगी हुई होती है, जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे प्लेटलेट्स एक ग्रुप में जा कर के उस जगह पे जो ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस होता है वो शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। अब हम सेकेंड स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड स्टेप में देखते हैं प्लग, यानी कि फर्स्ट स्टेप में प्लेटलेट्स जो होती हैं वो प्लग बनाना स्टार्ट कर देती हैं, तो हम सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स, डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो फिब्रिन, यानी कि फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लोट यानी कि रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। तो फिब्रिन जो है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं जो कि बह रही होती हैं, तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फिब्रिन कैसा होता है, फिब्रिन एक थ्रीड्स होता है, यानी कि फिब्रिन एक धागा होता है, और फिब्रिन मदद क्या करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। तो फिब्रिन एक थ्रीड्स होता है, फिब्रिन मतलब मीन्स एक धागा होता है, और जो रेड ब्लड सेल्स बह रही हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड निकल रहा होता है, बह रहा होता है, तो ब्लड जो होता है, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फिब्रिन में, फिब्रिन एक स्टिकी यानी कि चिपचिपा धागा होता है, तो उनमें फंस जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फिब्रिन यानी कि स्टिकी धागे में फंस जाती हैं। ब्लड, और फिर लिखा है फ्रेंड्स ये ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स अराइव, और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो भी वहाँ आ जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होती है, उनसे प्रिवेंट करने के लिए। और जो फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन एक थ्रीड्स होता है, थ्रीड्स मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, थ्रीड्स मीन्स मतलब धागा, ठीक है, चिपचिपा धागा, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फंस जाती हैं। हाँ फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल देख लेते हैं। प्लग द प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल्स दैट मेक फिब्रिन, मीन्स प्लग द प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल दैट मेक फिब्रिन, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो केमिकल्स को रिलीज करती हैं जो कि फिब्रिन, यानी कि फिब्रिन क्या है, फिब्रिन एक स्टिकी धागा है, किसकी तरह, लाइक प्रोटीन, प्रोटीन जैसा होता है ना, वैसे ही फिब्रिन जो होता है वो स्टिकी यानी चिपचिपा धागा होता है। फिर लिखा है रेड सेल्स गेट स्टक इन द थ्रेड्स, जो रेड सेल्स होती हैं वो उस धागे में
फंस जाती हैं उस धागे में यानी फिब्रिन में फंस जाती हैं और एक प्लग बना लेती हैं, फॉर्मिंग अ प्लग और एक प्लग बना लेती हैं। वाइट ब्लड सेल्स अराइव टू हंट फॉर जर्म्स। मैंने बताया ना वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे क्यों आती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए। तो वाइट ब्लड सेल्स अराइव हंट फॉर जर्म्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वहाँ पे जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या हंट बोल सकते हैं हंट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे पहुँच जाती हैं। अब हम फ्रेंड्स सेकेंड वो थर्ड स्टेप देखते हैं क्या है ब्लड क्लॉट का। थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स देखे जाए तो डायग्राम के थ्रू हम पहले देख रहे थे सील्ड बुंड यानी कि वहाँ पे बुंड जो होता है वो सील्ड होने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जो क्लॉट होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। अब हम थ्योरेटिकल में देखते हैं द फिब्रिन थ्रीड्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो फिब्रिन यानी कि जो चिपचिपा धागा है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, बाइंडिंग रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स टुगेदर इन अ स्टिकी क्लॉट व्हिच क्लोजेस द बुंड। मीन्स क्या है फ्रेंड्स, जो फिब्रिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिब्रिन में क्या हो जाती है, फिब्रिन में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स जो खून हमारा बह रहा है, जो ब्लड बह रहा है रेड ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको ये उसमें मतलब फंस जाती हैं, फिब्रिन में रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स फंस जाती हैं विच क्लोज द बुंड और जो जिससे क्या होता है बुंड जो होता है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि क्लोज हो जाता है, बुंड जो होता है वो क्लोज हो जाता है बंद हो जाता है। अब हम फोर्थ स्टेप में देखते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेप में देखते हैं फैलेट डायग्राम हार्ड स्केप, एक हार्ड स्केप बन जाती है, स्केप मीन्स बड़ी, तो हार्ड स्केप बन जाती है, टिशू स्टार्ट टू रिपेयर और टिश्यूज जो होते हैं वो रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं, टिश्यूज जो होती हैं वो रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। डिटेल में देखते हैं द क्लॉट नियर द स्किन सर्फेस ट्राइज आउट टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, जो क्लॉट यानी कि स्किन की सर्फेस जो क्लॉट होता है वो ड्राई होने लगता है, सूख जाता है, क्लॉट जो होता है वो सूख जाता है आउट टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव स्केप और एक प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षात्मक एक पपड़ी टाइप की बन जाती है विच कवर द हीलिंग बुंड, जो कि बुंड को बुंड जिससे क्या होता है जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है, घाव जो होता है कवर हो जाता है और फिर हीलिंग मतलब पूरी तरीके से सही हो जाता है। फर्स्ट स्टेप फ्रेंड्स एक बार फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं, सब रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि बुंड हमारे चोट लग गई है और प्लेटलेट्स जो होता है वो एक प्लग बनाना स्टार्ट कर देता है और सेकेंड स्टेप में क्या है कि प्लेटलेट्स बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज़ करता है जैसे कि फिब्रिन और फिब्रिन जो होती है वो स्टिकी यानी कि चिपचिपा एक धागा होता है प्रोटीन की तरह, जिसमें क्या होता है जिसमें फिब्रिन में रेड ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो फंस जाती हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जर्म्स को हंट करती हैं यानी कि डिस्ट्रॉय करती हैं और यहाँ पे थर्ड स्टेप में आते आते जो फिब्रिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो उसमें टुगेदर इन अ स्टिकी क्लॉट यानी कि रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर एक क्लॉट बनाती हैं और बुंड जो होता है वो क्लोज हो जाता है बंद हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेप में आते आते जो क्लॉट होता है स्किन पे वो क्लॉट जो होता है वो एक ड्राई हो जाता है और एक प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक पपड़ी बना लेता है और बुंड जो होता है वो सही हो जाता है, धीरे धीरे सही हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर स्टेप हैं इसके फ्रेंड्स। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इन जो हमने प्रोसेस ये इंग्लिश में पढ़ाया है आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस मैं पूरा हिंदी में डिटेल लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू माई ऑल फ्रेंड्स।